नमस्कार सर, भाई साहब आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग नौदगिरी, और मैं नौदगिरा में पहुँचा हूँ दबैड़ी के बाज़ार में। दबैड़ी के बाज़ार में ताज़ी ब्यावी भैंस, बाकड़ी भैंस, ग्याबन बाकड़ी भैंस, छोटी बड़ी कटियाएँ, सभी तरह की कटियाएँ आती है। झोटे झोटे एक से एक झोटा आता है यहाँ, बुग्गे वाला झोटा, भारी झोटा, और आगे आने वाले टाइम में यहाँ इस बाज़ार में कटियाँ एक से एक आएंगी। सबसे बढ़िया बढ़िया कटियाँ यहाँ आएंगी आने वाले एक डेढ़ महीने में, बहुत ज़बरदस्त कटियाएँ आनी है। यह दबैड़ी का बाज़ार हर बुधवार को लगता है खतौली बुढ़ाना रोड पर, जिला मुजफ्फरनगर यूपी। देखे गए हम सामने कटियाँ दिखा रहे हैं, कितनी सारी कटियाँ खड़ी हैं, इनमें कुछ कटियाएँ बिकी हुई भी हैं, कुछ की जानकारी करेंगे। जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले अगले टाइम में एक महीने के अंदर अंदर एक से एक ज़बरदस्त कटिया यहाँ पे आएगी ईद के टाइम पे, जैसे पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। यहाँ के बाज़ार में सुबह ही सुबह सब कटिया खरीद ली जाती हैं, और ये यहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे हल्द्वानी बलिया गोंडा गोरखपुर इस तरह से। ऐसे बेहतरीन कटिया आती है, कुछ छोटी कटियाओं की तरफ हम इन छोटी कटियाओं को दिखा रहे हैं और उनकी जानकारी करेंगे, क्योंकि पैसों का सिस्टम भी तो देखना पड़ेगा। एक सामने कटिया ले रहा है बालक, और कटिया जो है थोड़ी कुछ सींग तो खुला, लेकिन वैसे पीठ पुट्टे की बेहतरीन बनी हुई है, साइज भी कटिया का अच्छा है, और बढ़िया पड़ी हुई कटिया है। इस तरह की एक से एक कटिया आती है, अब टाइम भी बहुत हो रहा है, कटियाएँ भी बिक लेती है, कटियाएँ भी बहुत लेती है। ले चल ले चल, आगे अब कटिया की करेंगे इसकी कीमतों की जानकारी। कटिया रोक ले भाई, रोक ले, क्या हाल है भैया? कैसा बोल रहे थे, क्या नाम है? है क्या नाम है? सनोवर। कहाँ के रहने वाले? नंगले। नंगले से? नंगले के। जो कटिया ले रहे हो कितनी उम्र की हो रही होगी भैया कटिया? होगी एक साल की। एक साल की हो रही है, ठीक है। कटिया एक साल की कटिया हो रही है, एक साल के हिसाब से कटिया का शरीर बहुत बहुत अच्छा साफ सुथरा है। तो ये एक ही कटिया लेके आए थे और भी लाए थे? एक ही। एक ही लाए, अभी इसे एक कोई लिया फिर रहा। तो इसकी क्या कीमत रखी है भैया? हैं क्या कीमत रखी? 26,000। ये जो कीमत बताइए, ये फिक्स है, कुछ कम भी हो जाएंगे? कम भी हो जाएंगे। कम हो जाएंगे? कितना कम हो जाएंगे? हो जाएंगे जब दाम लगेंगे। जब दाम आएगा लगेगा, कुछ मौके पे गिरा खड़े हैं, तो इसलिए भाई ज़्यादा नहीं बता रहा है। कभी इसकी कटिया की कम कीमत लगे, सभी को लालच होता है ज़्यादा बेचने का। तो देखे कहाँ तक की जानी, एक बार बता दो। नहीं है कहाँ तक की देखे जानी? दे देंगे 23-24 की। हाँ 23-24 की। 23-24 की दे जाएगा। अच्छा ये जो सामने गिरा खड़े हैं, कितने कुछ कम लगा रहे हैं? अभी कम लगा रहे। 23-24 होते हैं कम फतेह। 23-24 होते हैं कम फतेह हो जाएगा। ये जगह कुछ ग्राहकों की वजह से कम बता रहा है, नहीं तो कटिया को भाई 20,000 तक की भी दे के जाएगा। 20,000 तक की भी दे जाएगा। इसी तरह से सब बहुत ही छोटी बड़ी कटिया देखेगा, सभी तरह की खड़ी रहती है, सभी तरह की बेचने वाले हैं। हर किसी की जानकारी नहीं करते, कुछ की जानकारी करेंगे। एक और ले रहा है भाई कटिया, कहीं सारी ये लोग क्या क्या रुपए के तुम्हारे? कुछ भाई के हमें आने से अलग मुँह फेर लेते हैं, और वैसे बता रहे हैं कि 7,000-7,000 रुपये की ये कटियाएँ बेच देंगे। सभी साइड में जो है सभी कटियाएँ हैं, और कुछ व्यापारी भाई हमारे आगे आने से मना कर देते हैं, ऐसे दिखाते हैं देखेगा। ये सब छोटी बड़ी कटियाँ हैं, कटिया और कटिया। ये वाली किसकी कटिया पता है इसका? ये इनके व्यापारी अभी नहीं है मौके पे, इस तरह की कटिया एक से एक बढ़िया साफ सुथरी कटिया इस तरह बाज़ार में आती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ये कटिया जो है सब खरीद खरीद के बांध रखे हैं, खरीदने के बाद व्यापारी जो होते हैं बेफिक्र हो जाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। इनके ख़रीदार भी इस समय मौके पर नहीं है, ये यहाँ से कटिया बाहर जा रही है, जैसे बलिया गोंडा प्रतापगढ़ अयोध्या इस तरह से यहाँ से बाहर जाती हैं सभी। ये तुमने खरीद रखी भैया? मुँह क्या कर ले, क्या हाल है भैया? ठीक है भैया। क्या नाम है? शहजाद। कहाँ के रहने वाले हो? उमरपुर। उमरपुर जिला?
मुजफ्फरनगर जिला मुजफ्फरनगर जी। तो ये कटिया बेचने को ला रखी है, खरीदी है? नहीं खरीदी भैया। खरीदी है? हाँ। कहाँ लेके जाओगे? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बेचने के लिए? हाँ जी। तो वहाँ अपना ठिया बना रखा है, बाजार में बेचते हो? ठिया बना रखा। ठिया बना रखा, तो यहाँ से खरीद के वहाँ ले जाते हो? वहाँ बेचते हैं। तो कितनी खरीद रखी है? 25 पड़ी है। 25, मतलब ये जो इस लाइन में सारी तुम्हारी खरीदी हुई है। हाँ। अगर तुम्हारे व्यापार पर कोई दिक्कत ना हो तो एक दो की कीमत बताओगे खरीद के? मैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे यू कटिया ले रहे हो, यू वाली? हाँ जी। देखेगा ये भाई की कटिया है, ये कितनी उम्र की हो रही होगी? डेढ़ साल की। सींग बड़े जरूर है, थोड़े हल्के साइज में। कितने की खरीद रखी हो? ये 14,000 की। 14 की तुम्हारी खरीद है? हाँ। इसमें कुछ झूठ है या सही में? सच है भैया, झूठ कहे की है? सही में 14 की खरीद है? 14 की। एक एक 14,000 रुपये की कटिया खरीदी हुई है। और इसके बाद इन भाइयों को खर्चा भी लगता है, इसे बांध बांध इसे। अभी और एक दो की और जानकारी कर लेते हैं ऐसे ही खड़े खड़े। ऐसे देखिएगा, ये सभी कटिया इसी भाई ने खरीदी हुई हैं और ये एक साथ कहीं सारे मिल मिल के लेके जाते हैं। देखिएगा ये भाई जो है बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया कटिया है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, तो शरीर पे रुआ है और शरीर भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसे व्यापारी भाई भी बहुत बढ़िया बता रहे थे। तो इसकी कितनी उम्र हो रही होगी? इसकी होगी 8 महीने की। 8 महीने की? हाँ। देखिएगा 8 महीने का बच्चा है, कितना बढ़िया पला हुआ है। तो ये कितने की खरीदी भैया? ये 18,000 की। ये 18 की खरीदी जी? अच्छा, तो 18 की कैसे खरीदी इतनी हल्की सी? कुछ खूबी इसमें? नहीं, फिक्स है। नहीं मतलब कुछ खूबी इसमें जो इतनी महंगी? हरियाणा की कटिया है, अच्छी नस्ल की कटिया है। अच्छी नस्ल है? देखेगा जो अच्छी नस्ल की होती है इसीलिए कीमत भी ज्यादा लगा देते हैं। तो इतने की सही में खरीदी भैया? सही में खरीदी है। सही में खरीदी है? सही में। यहाँ देखेगा 18,000 रुपए का छोटा सा बच्चा खरीद रखा है भाई ने। और इसमें कम वाली कौन सी है तुम्हारी? और कम वाली खड़ी है इधर ही। ये वैसे अंदाजा सारी क्या क्या हजार की होंगी? 9,000, 8,000, 10,000, 11,000, 12,000 इस रेंज में ली हुई है। तो यू अलग ही है, सबसे अलग ही है। भी बच्चा आएगा देखेगा, बहुत हरियाणा है, अलग ही है, इसलिए इन्होंने इतनी महंगी की। तो ये जो 18 की खरीदी तुमने, किस अंदाजे से खरीदी? कितने तक की बेच दोगे? 23,000 की बिक जाएगी। बिक जाएगी? हाँ। अरे खर्चा एक कटिया पे कितना? 2,000-3,000 खर्चा है। 2-3 हज़ार हो जा। तो कितनी लेके जाओगे एक गाड़ी में? एक गाड़ी में 40 कटिया लेके जाओगे। तो होगी तुम्हारी पूरी अभी? नहीं 25 होंगी। 25 है, तो और कोई दूसरा सब्जी हो जाएगा? और जैसे ये वाली खड़ी है भैया, ये वाली कितने खरीदी होगी? 16,000 की। ये 16 की खरीदी? हाँ। है। देखिएगा कटिया का साइज इसका बड़ा है, 16,000 खरीदी है। जैसे बच्चे होते हैं उसी की तरह की कीमत होती है। तो ये हमेशा हर हफ्ते ही आते हैं भैया? हर हफ्ते यहाँ से खरीद के और बाहर लेके जाते हैं? सुल्तानपुर जिला। ठीक है भैया जी। देखिएगा जैसे हमने बताया था, ये व्यापारी हैं और इनके ऊपर गाड़ी का खर्चा है, इनका खर्चा, बाजार खर्चा, बहुत खर्चा होता है, उसके बाद इन्हें जाके बेचते हैं। देखिएगा सभी जो हैं छोटी बड़ी सभी साइजों की कटियाँ बिकी खड़ी हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था, ईद के टाइम पे आगे इस बाज़ार के अंदर सबसे एक से एक खूबसूरत कटिया यहाँ आएगी। देखिएगा ये अपनी निशानी लगा रहे हैं अपनी पहचान के लिए, जिससे गाड़ियों में इनकी रल ना जाए कटिया, क्योंकि अलग अलग कीमतों के लिए होती हैं, अलग अलग व्यापारियों की होती हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। I'm going to go to the next one.